सच्च तेरा नाम सच्च। वैदिक छंद का गायन करते हुए हमारे ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम शेषे वनेशो मात्रशो सम्त्वा मर्तास इंधते। वो आदिदेव परमात्मा हमारे मनुष्य शरीर में मानव देह में ऐसे सोया हुआ है जैसे काठ में अग्नि सोई है, समुद्र के भीतर विद्युत सोई है, बादलों के भीतर तड़ित चमकने वाली बिजली शयन करती है। अतंद्रो हटयम वहसि हविस्कृते आदि देवेश राजसि। पुण्यवान आत्मा देवगणों में पहुंच के शोभा को प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य और साधना के प्रताप से ब्रह्म ज्योति में आरोहण करता है, चढ़ जाता है, जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से सभी शूद्र बुद्धि मंद बुद्धि पशु तत्व में विचरण करने वाले होते हैं। कोई भी बच्चा है मनुष्य का या किसी और का, पशु पक्षी का, उसको संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जब भूख लगती है तो रोता है, अन्नेति ब्रह्मा, उसके लिए केवल अन्न खाना पीना ही सब कुछ है, ब्रह्म है। और यदि उस बढ़ते हुए बच्चे को जब वो युवक भी हो जाता है, उसको शिक्षा दीक्षा ना दी जाए तो उसकी बुद्धि उसका ज्ञान विकसित नहीं होता, वह वही पशु तत्व में ठहरा रहता है। ऐसी स्थिति को मनुष्य की शूद्र स्थिति निम्न स्थिति ज्ञान से रहित स्थिति कहा जाता है। और जब उस बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं माता पिता आचार्य के द्वारा, तब संस्कारात द्विज उच्यते, तब उसका ज्ञान में दूसरा जन्म होता है, वह द्विज विद्वान कहलाता है। विद्वान भी संसार के शिल्प मकान बनाना, लकड़ी के काम करना, चमड़े के काम करना, पीतल के काम करना, लोहे के काम करना, स्वर्ण चांदी के आभूषण आदि बनाना, ये सब शिल्प हैं। इन सांसारिक शिल्प और विद्याओं में एक मनुष्य रमण करता हुआ
बहुत उच्चता को प्राप्त हो जाता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति वो बन जाता है। किंतु उससे भी बढ़के है ईश्वरीय ज्ञान। वेद पाठी भवेत विप्रह, ईश्वरीय ज्ञान को जानने वाला, वेदों का पठन पाठन करने वाला एक युवक आचार्य की शरण में जब जाता है, उस वेद से वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, प्रतिदिन यज्ञ करता है, वेद मंत्रों को याद कर लेता है, कुछ वर्षों में परिपक्व होके उन मंत्रों के द्वारा प्रवचन समाज में करने लगता है और अपने मनुष्य समाज को उच्च दिशा प्रदान करता है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और आत्मा का विज्ञान, इन सब विज्ञान का वो ज्ञाता बन जाता है। उस परम ब्रह्म की स्तुति करने लगता है, सामवेद का गायन करने लगता है, उसकी वाणी को सुन के सब आनंदित होते हैं, स्वयं भी उसका अंग अंग रोम रोम ईश्वरीय अमृत से भर उठता है। ये है वैदिक मार्ग। उन्हीं मंत्रों का वो जप करने लगता है, गायत्री जपता है, अन्य अन्य मंत्र जपता है। आचार्य उसको वेद की दीक्षा प्रदान करता है और इससे भी ऊपर क्या है, वेद पढ़ने पर मनुष्य बनता है विप्र, दिव्य विद्याओं को जानने वाला, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, ब्राह्मण बनना ये अंतिम अवस्था इस आत्मा की होती है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती। हमारे विद्यालय में आज भी कोई भी विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट को ले सकता है, ये उसकी अपनी योग्यता पे निर्भर करता है। चाहे वो एक वैज्ञानिक बन जाए, चाहे वो मेट्रो रेलगाड़ी चलाने वाला बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, चिकित्सा विज्ञान में आगे बढ़े या कंप्यूटर में आगे जाए, ये उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। इन सब विद्याओं में सर्वोच्च विद्या होती है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म जानयति ब्राह्मणः, उस ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है, उसको जानने के लिए हमें तंत्र को जानना पड़ता है। तंत्र किसको कहते हैं, इस बारे में भी लोग बड़े भ्रमित हैं। आप सुनते हैं प्रजातंत्र, एक व्यवस्था, राज्य की ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रजा के हाथ में बहुत कुछ होता है। एक होता है राजतंत्र, उसमें प्रजा के हाथ में कुछ नहीं होता, केवल राजा आज्ञा देता है और प्रजा को उसका पालन करना होता है। आपने एक शब्द सुना होगा नाड़ी तंत्र, हमारे शरीर में जो नाड़ियों का जाल है,
72 करोड़ नाड़ियां हमारे शरीर में फैली हुई हैं। एक शब्द है तंत्री, जो वीणा है, तार जिसमें लगा है और तार को बजाते हैं, एक तारा है, सारंगी है जिसमें तार लगा है, उस तार के साज को तंत्री कहा जाता है। ऐसे ही ये हमारा शरीर है, इसमें भी दो तार लगे हुए हैं, इसलिए इस शरीर को भी तंत्री कहा जाता है। गात्र वीणा इसको कहा जाता है, शरीर रूपी वीणा जिसमें दो तार हर समय झनकार रहे हैं। वे तार कौन से हैं? सांस के तार। सांस का शरीर के भीतर आना एक तार और शरीर से बाहर जाना दो तार। ये हमारा शरीर दो तारों वाली तंत्री वीणा है। इस सांस के तार पे जब हम उस परम ब्रह्म के मंत्र को पिरोते हैं तब ये साधना तंत्र साधना कही जाती है। आपका ध्यान जा रहा होगा उस तंत्र साधना पे कि शमशान में जाके भयंकर अघोरी मुर्दे की पीठ पर बैठकर आग जलाकर मनुष्य की खोपड़ी में मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो ये सब नरक में ले जाने वाली बातें हैं। ऐसी साधना करने वालों का पतन होता है। क्यों? क्योंकि वे तमोगुणी साधना करते हैं वासनाओं की पूर्ति के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए। होता कुछ नहीं, उनका अपना ही विनाश हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, पंच मकार साधना, शराब, मांस, बहुत सारी चीजें। इन बातों को छोड़िए, तंत्र जो वास्तव में तंत्र है, वेद जिसको तंत्र कह रहा है, वो क्या है उसको हम बता रहे हैं। कोई मंत्र भी आप ना जपें तो भी आपकी सांस चल रही है। ये सांस रात दिन जब तक हम लोग जीवित हैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को जप रही है। महादेव शिव कहते हैं इस सांस की तरफ ध्यान दो। ये सांस जो नाभि से उठ के मस्तक में ब्रह्म ज्योति को झनकार रही है, स्पंदित कर रही है, इसकी तरफ ध्यान दो। ये है तंत्र साधना। इस तंत्र में प्रवेश किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने भीतर उस ब्रह्म सत्ता को किसी भी जन्म में जान नहीं सकता। वैदिक दीक्षा क्या है? वेद मंत्रों का गायन, पठन पाठन, जपते रहो, ठीक है, वो एक अलग है। लेकिन जब उस परम ब्रह्म के मंत्र को हम सांस की तंत्री पे तार पे पिरोएंगे, कैसे? एक सांस खींचा है और इस सांस में हमने महसूस किया है कंपन, एक, और ये सांस यहां आके समाप्त, और फिर इसको बाहर छोड़ते हैं
तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो ये हमारा मंत्र तंत्र से जुड़ गया है, तंत्री तार। इसकी झनकार हमारे पूरे शरीर में 6 चक्रों में अलग अलग बिंदुओं पर इसका स्पंदन होता है और वो ब्रह्म सत्ता हमारे भीतर प्रकट होने लगती है। इसको कहा जाता है तंत्री दीक्षा। एक तो आप साधारण रूप से मंत्र जप रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, किंतु एक उसी मंत्र को जब हम सांस में पिरोते हैं तो वो तंत्र बन जाता है, हमारी नाड़ियों को वो झंकृत करने लगता है, हमारे मस्तक में ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म सत्ता उद्भूत होने लगती है, प्रकट होने लगती है। तो इसको दोबारा से एक बार फिर समझ लीजिए। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता, ज्ञानवान नहीं होता, राजा का लड़का हो या किसी दूसरे साधारण प्रजाओं में से किसी का लड़का हो, दोनों एक से होते हैं। ऐसे बच्चा हाथ मार रहा है, कंच उठाया, मुंह में दे लिया और मुंह में फंस गया, सब बच्चे एक से हैं, उनको ज्ञान नहीं। आग को जलता देखते हैं, एकदम से उसमें हाथ दे देंगे, किसी का भी बच्चा हो, उनका स्वभाव है। जन्म न जायते शूद्र, जन्म से सभी अज्ञानी होते हैं, बुद्धि से रहित होते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, उनमें शिक्षा दीक्षा संस्कार जब माता पिता आचार्य उनको देते हैं तो वे द्विज विद्वान ज्ञानवान हो जाते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? वेद पाठी भवेत विप्रह, वेद का गहराई से पठन पाठन अध्ययन करने वाला व्यक्ति विप्र अति ज्ञानी हो जाता है। और इसके बाद चौथी अवस्था, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जब हम उस ब्रह्म को अपने भीतर झन 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 महसूस करने लगते हैं। और दूसरों में, सब में, हर एक मनुष्य में जो हमारे भीतर तंत्र है वो दूसरों में भी है, वही पशुओं में, पशु भी सांस ले रहे हैं, पक्षी भी सांस ले रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, पत्थरों की जो शिलाएं हैं वे भी सांस लेती हैं, पत्थर भी, वृक्ष भी, जिनको हम जड़ वस्तुएं समझते हैं, जड़ वस्तु जड़ तत्व संसार में कोई भी नहीं, सब में चैतन्य भरपूर है। हमारे भारतवर्ष में एक स्थान है, वहां एक पत्थर का खंभा है, उससे आप कान लगाओ तो ऐसा लगेगा भीतर से घाएं 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 की आवाज आ रही, संगीत उसमें से सुनाई पड़ता है, पत्थर में से। असित गिरी समम स्यात कज्जलम, पूरे हिमालय पर्वत को काजल स्याही कोई बना ले, सिंधु पात्रे जितने भी समुद्र इस पृथ्वी पर हैं उनका पात्र कोई बना ले, सुर तरु शाखा लेखनी पत्र मोरवीह,
स्वर्ग में देवताओं का जो कल्प वृक्ष है उसकी लंबी सी शाखा को कलम कोई बना ले और पूरी पृथ्वी का कोई कागज भोजपत्र जैसा बना ले। लिखति यदि ग्रहित्व शारदा, उस लेखनी को लेके यदि शारदा ज्ञान की देवी सरस्वती लिखना प्रारंभ करें सर्वकालम अनंत काल तक, तथापि तव गुणा नामेश पारमनायाति। हे परम ब्रह्म, हे परमात्मा, वो ज्ञान शक्ति भी, ज्ञान की देवी भी तेरी स्तुति, तेरी महानता को लिख नहीं सकते। अनंत युग बीत जाएंगे, अनंत समय बीत जाएगा, किंतु तेरी स्तुति फिर भी कम ही रह जाएगी। प्रभमीशम शेष गुणम गुणहीन महेशम गणाभरणम। देवताओं के आभूषण क्या है? किसी ने सोने चांदी के हार पहन रखे देवी देवताओं ने। विष्णु जी को देखो, प्रभु राम जब राजा बने तो देखो कानों में कैसे लंबे लंबे झुमके से लटक रहे हैं। कृष्ण महाराज के आभूषण देखो। भगवान शिव तो शमशान में रहते हैं, उनके आभूषण सांप बिच्छू ये हैं। देवियों को देखो, धन की देवी ऊपर से नीचे तक सोने में लदी हुई आभूषणों से। धन का देवता कुबेर, उसको देखो इतने आभूषण पहने हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो देवताओं के तो अलग अलग कितने ही अनगिनत आभूषण है। वो जो परम पुरुष परमात्मा है उसका आभूषण क्या है? देवताओं ने एक बार विचार किया, हम देवी देवता हैं, इतने आभूषण अपने को सजाने के लिए पहनते हैं। वो जो निराकार ब्रह्म है उसका भी कोई आभूषण होगा। ऋषियों ने, देवताओं ने बहुत गहन ध्यान किया और उन्हें मालूम हुआ उस परम ब्रह्म परमात्मा के पास केवल एक ही आभूषण है। एक कौन सा? उसके भक्त, उसके शिष्य, उसको दिल से चाहने वाले, निर्मल हृदय वाले, उसके भक्त जन। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधिशाक्षी भूतम। वो जो अचल है, विमल है, मलों से रहित, जिसमें कोई दूषित तत्व नहीं, जो महापवित्र है, अचल है, भावातीतम त्रिगुणारहितम परम ब्रह्म, तम नमामि। हमारी बुद्धि से भी जो परे है ऐसे ही आदि पुरुष परमात्मा मैं तुझको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। तू कैसा है? नित्य आनंद से युक्त। और हम मनुष्य कैसे हैं? नित्य दुख क्लेश विपत्तियों से भरे हुए अशांत हृदय वाले हम लोग। हम ऐसे और तू ऐसा। विश्वातीतम गगन सदृशम त्वम स्यादि।
लक्ष्यम हे आकाश की तरह अनंत परमात्मा, जिसके जीवन का लक्ष्य तू है, जिन्होंने तुझको अपना सर्वस्व बनाया हुआ है वे पुरुष धन्य हैं। तू उनका है और वे तेरे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जहां भगवान शिव का आश्रम था नंदी, एक दिन बड़े व्याकुल हृदय से वहां इधर से उधर नदी के किनारे पर विचरण कर रहे शिव ने दूर से बैठे हुए देखा। क्या बात है, आज नंदी का चित्त कुछ उद्विग्न है। वो वहां गए, कहा, नंदी किस चिंता में हो? नंदी चौंक पड़े, वो अपने ही किसी विचार में निमग्न हो रहे थे। चरणों में प्रणाम किया, कहा, प्रभु आज जब मैं उत्तर दिशा से अपने आश्रम की तरफ आ रहा था, मैंने एक अति सुंदर पक्षी को देखा जिसके पंख सोने जैसे थे। हीरक मणियों से उन पंखों पर ईश्वर स्तुति के मंत्र लिखे थे और वो पक्षी एक सड़े हुए मुर्दे के मांस को खा रहा था। शिव ने उत्तर दिशा की तरफ को अपना हाथ फैलाया और देखा वो ही पक्षी उड़ता हुआ उधर से आ रहा है। शिव के हाथ पे आके बैठ गया। शिव ने कहा, नंदी यही है वो पक्षी? बोले हाँ। सुनो, अंगिरा ऋषि के धर्म अनुशासन में ये कंबल नाम का उनका शिष्य था। शुरू में इसने वैदिक दीक्षा को ग्रहण किया, ज्ञान को फैलाया। उसके प्रताप से इसकी आत्मा सुनहरी हो गई। फिर ये अहंकारी बन गया, गुरु का तिरस्कार करने लगा, अपमान करने लगा। धीरे धीरे इसकी विद्या नष्ट होने लगी। गुरु ने बहुत समझाया, पुत्र ऐसा करना उचित नहीं जैसा तुम कर रहे हो। वो इतना चिढ़ गया, वेद मंत्रों का भी उल्टा अर्थ करने लगा। यहां तक कहने लगा ज्ञान व्यान कुछ नहीं, परमात्मा वरमात्मा कुछ नहीं, जोगी बनना, सन्यासी बनना, ऋषि बनना केवल ढोंग रचना है। यहां तक उसकी बुद्धि निकृष्टता में चली गई और एक दिन वो मर गया। वो उन अंगिरा ऋषि का शिष्य कंबल ये ही है। इसकी कुछ ही सांसें शेष हैं, कहो तो इसके मुंह से ही सुन लो। उस पक्षी ने अपना मुख खोला और मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, कहा, नंदी तुम्हारे ईश्वर स्वरूप गुरु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
मैं तुमको एक ही बात कहना चाहता हूं, कभी भी गुरु के वचनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शिष्य को कभी भी अहंकार में भर के ज्ञान को अज्ञान नहीं कहना चाहिए। गुरु से कभी भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। वो ब्रह्म रूप हैं, हम उनके प्रकाश की एक मैली सी क्षीण, बहुत जरा सी अंधकार से भरी हुई किरण है। इतना कह के वो पक्षी मर गया। शिव ने कहा, क्योंकि इसको तुम्हारा और हमारा सत्संग प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका पिछला वो पाप नष्ट हो गया है। फिर भी ये जीव आत्मा ज्ञान को तो ग्रहण करता ही है, किंतु अज्ञान से बचे रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल और दुरूह कार्य है। जैसा मैं धरती पर एक निशान, मालिके तो जहां तेरा घर आसमां, दाग जैसा मैं धरती पे एक निशान। तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, परमेश्वरम, तू ज्योति स्वरूप, तू जगदीश्वरम, तू त्र्यंबकम, तू ज्योति स्वरूप, तू जगदीश्वरम, तू परमेश्वरम, तू त्र्यंबकम, तू परमेश्वरम, तू ज्योति स्वरूप, तू जगदीश्वरम, तू त्र्यंबकम, तू परमेश्वरम, जगदीश्वरम। तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, कहां मैं कहां, तू कहां
मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं तुम चंदन हम कड़वे अरंड, तुम कल्तरो हम कीकरी, तुम चंदन हम कड़वे अरंड, तुम कल्पतरु हम कीकरी, तुम चंदन हम कड़वे अरंड, तुम कल्प तरो हम की करी, तुम चंदन हम कड़वे अरंड, तुम कल्प तरो हम की करी, तुम स्वर्ग के महकते उपवन हम टूटी फूटी ठीकरी, तुम स्वर्ग के महकते उपवन हम टूटी फूटी ठीकरी, ऐ मालिक दो जहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, हम पापी तुम पाप खंडन, तुम पवन पवित्र हम परम अधम, हम पापी तुम पाप खंडन, तुम परम पवित्र हम परम अधम, हम ओछे हर बात के तुम पूरे महाराज, हम ओछे हर बात के तुम पूरे महाराज, अपनी करके राखियो तोहे बाह पकड़े की लाज, अपनी करके राखियो तोहे बाह पकड़े की लाज, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं श्वेत शुक्ल तुम महापवित्र हम जंगल के कीड़ा, श्वेत शुक्ल तुम महापवित्र हम जंगल के कीड़ा, श्वेत शुक्ल तुम महापवित्र
मित्र हम जंगल के कीड़ा। श्वेत शुक्ल तुम महापवित्र हम जंगल के कीड़ा। साध संग हुई गति हमारी जैसे काठ संग तेरे लोहा। साध संग हुई गति हमारी जैसे काठ संग तेरे लोहा। ऐ मेरे मेहरबान तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। पोशीदा पर गोकुल में है बहरे पर में तू। ए परमात्मा तू फूलों में पत्तियों में जल में फल में सूर्य में चंद्रमा में सब जगह तू चमक रहा है। लेकिन जिनको तूने नजर बख्शी है, दृष्टि ज्ञान दृष्टि जिनको मिली है, वो ही तुझको देख पाते हैं। पोशीता बर्ग गुल में है बहरे बर में तू। अहल नजर को मिलता है शमशो कमर में तू। है किसकी मजाल जो करे आसमां की सैर, है किसकी मजाल जो करे आसमां की सैर। परवाज बनके ढलता है उड़ान पंछियों की उड़ान, परवाज बन के ढलता है बालों पर में तू। उन पक्षियों के पंखों में जो ताकत है तेरी है। बातिल की तीरगी को मिटाने चला हूं मैं। बातिल असत्य असत्य के अंधकार को मैं मिटाने के लिए चला हूं। ऐ परमात्मा मेरे रास्ते में सूर्य को रख दे। बातिल की तीरगी को मिटाने चला हूं मैं। एक आफताब रख दे मेरी राह गुजर में तू। हर बात तेरे हुस्न की सूरत दिखाई दे। जिधर भी मेरी आंख देखे तेरा सुंदर स्वरूप ही मुझको दिखाई पड़े। हर बात तेरे हुस्न की सूरत दिखाई दे। इतना नवाज दे मुझे इल्म हुनर में तू। इत
इतना नवाज दे मुझे इल्मो हुनर में तू। वो बदनसीब हैं जिन्हें महसूस ही ना हो उसकी सत्ता तो सर्वत्र हमारे बाहर भीतर है। वो बदनसीब हैं जिन्हें महसूस ही ना हो जबके बसा हुआ है हर एक कलबो जिगर में तू। हर एक हृदय में हर एक आत्मा में हर एक शरीर में तू ही तू, तू ही तू है। अब क्या बयां करे तेरी हम दोस्त ना कोई, तेरी तारीफ तेरी प्रशंसा तेरी स्तुति कोई कैसे करे। अब क्या करे बयां कोई हम दो सना तेरी, जलवानुमा है हुस्न की एक एक नजर में तू। बंद आंखों में जागते मंजर मेरी आंखों में रात नहीं होती, तू सामने रहता है मगर बात नहीं होती। तू यहां भी है तू वहां भी है, तुझे देखने की नजर नहीं। तू हर एक शय में जलवागर तुझे देखने की नजर नहीं। हम लोग आंखें होते हुए भी बिना आंखों के और तू निराकार होता हुआ भी सारे जग में साकार बनके घूमता रहता है। तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां। मलिके दो जहां तेरा घर आसमां, दाग जैसा मैं धरती पर एक निशान। मालिके दो जहां तेरा घर आसमां, दाग जैसे के धरती पे आसमां। तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां। एक शब्द भी नहीं कहूंगा लगेगा मैं कुछ कह रहा, एक शब्द भी नहीं कहूंगा लगेगा मैं कुछ कह रहा। ये तो तेरा प्यार है जो होठों से मेरे छलक रहा, ये तो तेरा प्यार है जो होठों से मेरे छलक रहा। मुझे रंग दे अपने रंग में तू, मुझे ले ले अपने संग में तू, मुझे रंग दे अपने रंग में तू, मुझे ले ले अपने संग में तू। ऐ दो जहां के बादशाह तू कहां मैं कहां, तू कहां
गुलाबों की तरह आंखों में बसा ख्वाबों की तरह तू महके है गुलाबों की तरह। खोल के खिड़की देख तू मेरी तरफ मेरी रूह उड़ती है तेरी तरफ। खोल के खिड़की देख तू मेरी तरफ मेरी रूह उड़ती है तेरी तरफ। मेरा महबूब तू मेरा माबूद तू मेरा इश्क तू मेरा मित्र तू। मेरा महबूब तू मेरा माबूद तू मेरा इश्क तू मेरा मित्र तू। ऐ बेजुबानों की जुबान तू कहाँ मैं कहाँ 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 घन घोर अंधियारे रूठे उजियारे किस्मत के डूबे सब तारे। घन घोर अंधियारे रूठे उजियारे किस्मत के डूबे सब तारे। सोने हैं पथ सारे कोई किरण दिखला रे। सुने हैं पथ सारे कोई किरण दिखला रे। निर्धनों की तू धीर भव सागर के तीर निर्बलों का तू बल तू है महाबल। निर्धनों की तू धीर भव सागर के तीर निर्बलों का तू बल तू है महाबल। मैं लापता तू मेरा पता तू क्षमा ही क्षमा मैं खता ही खता। मैं लापता तू मेरा पता तू क्षमा ही क्षमा मैं खता ही खता। चिंताओं ने मुझको घेरा मेरी रूह पे तेरा घेरा। चिंताओं ने मुझको घेरा मेरी रूह पे तेरा घेरा। तू मुझको भी भीख
दे, आशिक मैं भी हूँ तेरा। तू मुझको भी भीख दे, आशिक भी मैं हूँ तेरा। ऐ दो जहाँ के मेहरबान, तू कहाँ मैं कहाँ, 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 देवों का तू देव, तू आदि देव, तेरी स्तुति करते सब देव। देवों का तू देव, तू आदि देव, तेरी स्तुति करते सब देव। ऐ जाने जा, ऐ परमात्मा, ऐ लामका, ऐ बेनिशान। ऐ जाने जा, ऐ परमात्मा, तू लामका, ऐ बेनिशान। तू है बेजुबानों की जुबान, तू कहाँ मैं कहाँ, 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 तू हकीकत है मैं एहसास हूँ, तू समंदर मैं भटकी प्यास हूँ। तू हकीकत है मैं एहसास हूँ, तू समंदर मैं भटकी प्यास हूँ। मेरी व्यथा हरेगा तू, मेरी आस था दृढ़ करेगा तू। मेरी व्यथा हरेगा तू, मेरी आस था दृढ़ करेगा तू। मेरी आस तू, मेरा विश्वास तू, मेरी आस तू, मेरा विश्वास तू। मैं धूल गर्दा तू रोशनी का पर्दा, मैं धूल गर्दा तू रोशनी का पर्दा। कब होगा मेरा तुझसे सामना, मेरा जिस्म बना है एक आईना। कब होगा मेरा तुझसे सामना,
मेरा जिस्म बना है एक आईना, तेरा जिक्र फरिश्ते करते रहे, हाथों में तारे लेके उड़ते रहे, तेरा जिक्र फरिश्ते करते रहे, हाथों में तारे लेके उड़ते रहे, हाथ मेरा पकड़ मुझको थाम ले, मत मायूस कर जो तेरा नाम ले, हाथ मेरा पकड़ मुझको थाम ले, मत मायूस कर जो तेरा नाम ले, फुल संदे वाले बाबा कहे ये बता तेरे बिन हम कैसे रहें, फुल संदे वाले बाबा कहे ये बता तेरे बिन हम कैसे रहे, ऐ बेजुबानों की जुबान तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, मेरा महबूब तू, मेरा महबूद तू, मेरा इष्ट तू, मेरा मित्र तू, मेरा महबूद तू, मेरा महबूब तू, मेरा इष्ट तू, मेरा महबूब तू, ऐ जाने जा ऐ परमात्मा, ऐ लामका ऐ परमात्मा, ऐ जाने जा परमात्मा, ऐ लामका ऐ परमात्मा, ऐ हम नशी ऐ महजबी, ऐ हम नशी ऐ महजबी, कोई तुझ सा है नहीं, कोई तुझ सा है नहीं, मैं अंधेरा हूँ तू है चांदना, तू है चांदना, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू त्रयंबकम तू परमेश्वरम, तू ज्योति स्वरूप तू जगदीश्वरम, तू त्रयंबकम तू परमेश्वरम, तू ज्योति स्वरूप तू जगदीश्वरम, तत् सवितुर्वरेण्यम तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, तू कहां मैं कहां, एक तू एक तू एक तू एक तू एक तू एक तू एक तू। वैदिक छंदों को गाने वाले हमारे ऋषि ऋग्वेद के ऋचाओं में कह रहे हैं, ओम शेषे वनेशु मात्रश समत्वा मरता सेंदते, हे आदि देव तू तो मेरे शरीर में सोया हुआ है और मैं तुझसे दूर दूर तृष्णा के सागर के किनारे किनारे
जन्म जन्मांतरों तक भटकता रहता हूं, तू कहां मैं कहां। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, असुरिया नाम तेलोका अंधेनतम सा आवृता, अज्ञान में पड़ी हुई आत्माओं से वो परमेश्वर छुपा रहता है, ढका रहता है। अपने जीवन काल में तंत्र साधना करके जो उस परमात्मा को नहीं जान पाते, वे बार 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 इस जन्म मरण के चक्र में दुख उठाते रहते हैं। इसलिए हमारे शरीर की जो ये वीणा है, तंत्री है, तार वाली वीणा साज, इसको बजाते बजाते संसार में ही फोड़ फाड़ के हम ना चले जाएं। बच्चे के हाथ में जरा सा सितार थमा दो, शुरू में तो उसमें लगेगा, फिर इधर मारा उधर मारा, यहां तोड़ा वहां तोड़ा, ठप ठप। हे परम ब्रह्म प्रजावती, तू हमें प्रजावती होने का आशीष दे, हमारी संतानें हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट ना कर दे, वे धर्म के प्रकाश से प्रकाशवान हो, अनमीवा हमारे शरीर को शरीर की बीमारियां नष्ट न कर डालें, हमारे मन को हमारी बुद्धि को मानसिक रोग कलह क्लेश ईर्ष्या द्वेष तृष्णा वासना कीड़ों की तरह ना खा जाएं। हे प्रभु, हे आदि देव, तू हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, हमारे भीतर ईश्वरवाद होना चाहिए, निरंतर सांस सांस पर उस परम ब्रह्म को हम इस शरीर के तार को बजा बजा के सांस के साथ साथ उस परमात्मा को जपें। ये पहली बात, मानववाद हमारे भीतर होना चाहिए। जो सांस हमारे भीतर चल रही है, हर एक के भीतर वही चल रही है, किसी को छोटा ना समझें, किसी का अपमान ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें, यह है मानववाद। तीसरा है राष्ट्रवाद, जिस भूमि पे हमने जन्म लिया, जिस देश में परमात्मा ने हमें भेजा, उसके लिए हमारे कर्तव्य बनते हैं। अपने राष्ट्र को हम कैसे लोगों के हाथों में देना चाहते हैं जो पाखंडी हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, केवल मेरी जाति के हैं, बस जिस जाति में मेरा जन्म हुआ उसी में उनका जन्म हुआ है, चोर उचक्के लफंगे शराबी देशद्रोही, तो क्या इतना ही बहुत है कि मैं मेरी जाति के हैं इसलिए मैं उनको वोट दूं? जो पिशाच जैसे हैं, देशद्रोही हैं, लेकिन मेरी जाति के हैं, जातिवाद कीड़ों की तरह हमारे देश को खा रहा है। इस दुर्बुद्धि से हम ऊपर उठें, ये देखें किनके हाथों में हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है, किसके शासन में हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। अब तक 5 साल तक सुरक्षित रही हैं। कोई और होते तो आपने देखा है पिछली सरकारों में क्या क्या हंगामे, क्या क्या दुराचार व्यभिचार हुए। क्या आप फिर से ऐसा ही चाहते हैं? नहीं। जातिवाद के गड्ढे में मत कूदिए,
इस जाति से ऊपर उठिए। जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रया। तू सच्चा साहिब सिफत सलाहो, जिन की ते सो पार पया। कहो नानक करते क्या बाता, जो कुछ करना सो कर रया। हमारी जात क्या है? जिस परिवार में पैदा हो गए वो नहीं, जिससे पूरी मानवता पैदा हुई है परमात्मा। चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर्जा तश आमद हम रसूल। परमात्मा से हमारी उत्पत्ति है। दिमाग को छोटा मत बनाइए, बुद्धि को संकीर्ण मत बनाइए। संकीर्ण बुद्धि वाले व्यक्ति को ही शूद्र कहा जाता है। शूद्र कोई जाति नहीं है, छोटा सोच रखने वाला व्यक्ति शूद्र कहलाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो। इस छोटी सोच से ऊपर उठें, स्वार्थी ना बने, लालची ना बने। और परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा देश गद्दारों के, देशद्रोहियों के हाथों में जाके बर्बाद ना हो जाए। उनका राज्य आ गया तो हमारी बहन बेटियां घर से भी निकलना उनका मुश्किल हो जाएगा। आप देख लेना, पीछे देखा है सबने। तो इस वक्त में, ये वक्त होता है जब हम अपना राजा चुनते हैं, उस वक्त में हमें उल जलूल बातों में नहीं आना चाहिए। उसने मुझे दारू की बोतल दे दी थी इसलिए वोट देना है, नहीं। उसने मुझे मुर्गा खिला दिया इसलिए वोट फलाने को देना, बिल्कुल नहीं। हम देवताओं के पुत्र हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं। लालच में, छोटी बुद्धि में आके, जातिवाद में आके बिल्कुल भी गलत निर्णय ना लें। कृष्ण महाराज ने छाज बनाने वाले कंजर के पैर धुले थे, जिसका नाम था सुपच। सुपच अग्र पूजा उसकी की थी पांडवों के राजसुई यज्ञ में, ये दिखाने के लिए कि जात पात कुछ नहीं होती, मनुष्य सबसे उच्च है। मनुष्य के मस्तक में परमात्मा का सिंहासन है, इस बात को हम याद रखें। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।